if the displacement, velocity and acceleration. Displacement आपको दिया हुआ है, यानी x equal to 1 centimeter. Velocity दे रखी है, वो भी आपको 1 centimeter per second है, और acceleration भी आपको दे रखा है 1 centimeter per second square. Respectively. क्या बताना है आपको इसमें? Its time period will be, time period बताना है. देखिए time period हम निकालें, तो टाइम पीरियड के लिए देखो, ये जो हमारे पास v होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये है, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें, एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर, तो एक्सिलरेशन जो है ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ए की वैल्यू वन है, ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी वन है आपके पास, ये कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बचा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू वन आ गया. हमें चाहिए टू, ये टाइम पीरियड चाहिए, इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टू पाई बाई टी इज इक्वल टू वन, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई, यानी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपके पास. ठीक है,